गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्वा इंटरनेशनल स्कूल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात की थी विभवमापी के बारे में और विभवमापी की कार्य प्रणाली के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं मानक सेल के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था लैक्लांसी सेल के बारे में, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं मानक सेल। राजस्थान बोर्ड के पेपर, क्वेश्चन पेपर में कई बार आपसे बारे में मानक सेल क्या होता है, एक ऐसा करते होंगे कि अगर आप कोई भी सेल लेके आते हो तो उसके ऊपर आपके उसमें लिखा हुआ होता है कि 1.5 वोल्ट का है या 2 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है, लिखा हुआ आता है। तो मतलब एक ऐसा सेल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म होता है, एक ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात होता है, यथार्थ रूप से अगर आपको ज्ञात होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानक सेल बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से अगर कैडमियम सेल अगर होता है तो ध्यान रखना बच्चों, कैडमियम सेल का जो होता है विद्युत वाहक बल स्टैंडर्ड होता है 1.0186 वोल्ट। कितना होता है? 1.0186 वोल्ट। बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है? 1.08 वोल्ट, ठीक है। तो ये दो जो सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानक सेल कहलाते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात होता है। आगे आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे विभवमापी का, जिसमें आपको दो सेल दिए हुए होंगे, उनका विद्युत वाहक बल आपको, अज्ञात विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? अब आता है विभवमापी का मानकीकरण तथा अज्ञात विद्युत वाहक बल का मापन। देखो बच्चों, राजस्थान बोर्ड के प्रैक्टिकल एप के अंदर भी आपके अंदर जो क्वेश्चन ये है, अज्ञात विद्युत वाहक बल का मापन का एक प्रयोग है, उसको भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विभव मापी का मानकीकरण। राजस्थान बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि विभव मापी के मानकीकरण को समझाइए। मानकीकरण का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मतलब मानकीकरण क्या होता है? देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात किया जा सकता है। विभव प्रवणता हमने कल पढ़ी थी, x = E/L, मतलब एकांक विभवमापी के तार की लंबाई पर विभव पतन को हम क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। बात समझ मारी? तो ऐसा मानकीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें आप विभव प्रवणता का यथार्थ मान आप ज्ञात कर सकते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? विभवमापी का मानकीकरण। बात समझ मारी है? तो इसमें देखो, इस मानकीकरण को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट तौर के ऊपर हम ले रहे हैं। देखो, हमने एक विभवमापी का ये हमने बनाया है, बैटरी का धनात्मक हमने विभवमापी के बिंदु A से जोड़ा है। और आप लोग सब जानते हैं विभवमापी अगर आपके पास में इस तरह से है तो ये वाला जो बिंदु होता है वो A बिंदु है और ये वाला बिंदु जो होता है वो किसका होता है? बिंदु B होता है। तो हमने बैटरी के धनात्मक को बिंदु A से जोड़ा है, ऋणात्मक को कुंजी से जोड़ा है, और ऋणात्मक का दूसरा भाग है वो धारा नियंत्रक से जोड़ा है, और धारा नियंत्रक का वेरिएबल पॉइंट बी से जोड़ा है। बात समझ मारी है? अब ए बिंदु से मैंने एक E0 यहाँ पर सेल लगाया है, जिसका मुझे विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। बात समझ मारी है? तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, ये द्विमार्ग की कुंजी मैंने यहाँ पर लगाई है। तो एक्स और वाई, वाई कॉमन है इसके अंदर, एक्स को जोड़ा गया है E0 सेल के ऋणात्मक भाग से, और यहाँ पर दूसरा एक सेल लगाया है हमने E1, उसको भी मैंने बिंदु A से जोड़ा है, और उसका ऋणात्मक भाग जो द्विमार्ग की कुंजी होती है उसका जेड भाग से जोड़ा गया है। अब देखो, जब एक्स तथा वाई के मध्य संबंध स्थापित करते हैं तो शून्य विक्षेप किसके ऊपर आता है? इसके ऊपर जॉकी से स्लाइड करेंगे, इन वायर्स के ऊपर जब हम जॉकी से स्लाइड करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति आती है L0। क्या आती है? L0। शून्य विक्षेप मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप, डिफ्लेक्शन हा मतलब जीरो डिफ्लेक्शन आए। बात समझ में आ रही? दैट इज E0 = xL0। ये क्या हो जाएगा? E0 = xL0। नाउ x = E0/L0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब विभव प्रवणता कितनी हो गई? एकांक लंबाई के ऊपर विभव का पतन क्या कहलाएगा? विभव प्रवणता। अगर विभव प्रवणता का यथार्थ मान अगर ज्ञात करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? मानकीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से
जब मैंने कुंजी को इन दोनों के मध्य में डाला, मतलब इन दोनों का संबंध हमने बनाया, तब हमें जो शून्य विक्षेप पर विभव प्रवणता का मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, E0/L0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमने क्या किया है, वाई और जेड का आपस में कनेक्शन बनाया है, ठीक है। अब एक्स और वाई नेक्स्ट आता है, उसके बाद में अपन एक्स तथा वाई का संबंध हटाकर वाई तथा जेड के मध्य में हम क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो माना उसका जो शून्य विक्षेप आ रहा है विभव मापी के ऊपर, उसकी संतुलन की लंबाई कितनी आ रही है, L1, कितनी आ रही है L1। तो उसका E1 इज इक्वल टू XL1 विभव मापी के सिद्धांत से, तो इसकी विभव प्रवणता का मान हम ज्ञात करेंगे तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1/L1। तो ये प्रकार, ये इक्वेशन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 विभव मापी के मानकीकरण को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार विभव प्रवणता तथा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है।